The police camps in Abujmad region in Chhattisgarh are empowering the villagers. The authorities are urging the locals to participate in the electoral process. Located in Maspur and in Dondribera, these camps have prompted residents to vocalize concerns for necessities and express a desire to vote. The villagers in the area prioritize essential needs like water, electricity, education and healthcare. The presence of police camps has improved security and provided ambulance services, healthcare and better road connectivity, fostering optimism and positive change in the area. Police and security forces have the important task of establishing camps and creating confidence among villagers so that they can express themselves confidently. Three camps, including Maspur, Irakbhatti and Kasturmeth, have been opened in March. Whenever camps are established, people feel safe and they express themselves confidently. As Naxals are away from them, villagers are openly expressing that they will exercise their voting right, said SP Prabhat Kumar. जनवरी में हुआ है सर, जनवरी में 22 क्या बोलते हैं 22 या 23 ऐसे कुछ है। अच्छा, पुलिस कैंप आप लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ सुविधाएं आपको मिलती है? अभी तो उतना हमको पता नहीं, लेकिन एक बार यहाँ सिविल एक्शन प्रोग्राम रखे थे वो BSF कैंप। एक्शन जी, सिविल एक्शन। अच्छा, उसमें क्या क्या दिए थे गांव वाले को, किस तरीके से बातचीत हुआ था उसमें? एक दवाई गोली और 5 साइकिल दिए। अच्छा, यहाँ पक्का सड़क है अभी कि कच्चा सड़क है? कच्चा सड़क है सर, मुर्मीकरण हो रहा है अभी। मुर्मीकरण हो रहा है। ये सड़क जो है कैंप बनने के बाद बना है या पहले बना है? नहीं, वो कैंप आने के बाद, कैंप आने के बाद सड़क बना है। तो पहले जैसे यहाँ कोई बीमार पड़ता था या किसी को जो है गर्भवती माताओं को जैसे अस्पताल ले जाना होता था तो कैसे जाते थे, और आज जो सड़क बनने के बाद क्या स्थिति है यहाँ पर? पहले जो भी बीमार होते थे उनको अगर चल नहीं पाते हैं तो बोह के ले जाना पड़ता था कम से कम सोनपुर तक। अभी सड़क बनने के बाद तो अभी फोन करना, यही नेटवर्क पूरा हो गया है तो एम्बुलेंस आ जाता है। लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव जो है उसमें बस्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है और हमारा पूरा क्षेत्र उसी में आता है। तो नक्सल सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे पास 73 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, 51 सेंसिटिव है। नक्सल एक्टिविटी की हिस्ट्री के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन है। तो सेंसिटिविटी के हिसाब से ही हमें फोर्सेज मिली भी है, हमने फोर्सेज डिप्लॉय भी किया है। हमें बाहर से CAPF की 45 इलेक्शन से मैंडेटेड 45 कंपनी मिली है। उसके अलावा हमारे पास लोकली अवेलेबल फोर्सेज भी है, ऑपरेशनल फोर्सेज भी DRG है। तो इन 45 कंपनियों के साथ हम लोकल फोर्सेज, थाने के बल और DRG को लगाकर इलेक्शन करा रहे हैं और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। हाँ, तो हमने 36 बूथ को, टोटल 142 बूथ है हमारे पास 142, इसमें से 36 को शिफ्ट किया है वैसे जो नक्सल प्रभाव में एकदम अंदर के जो बूथ है उनको पास के एरिया में, कैंप्स के पास में या फिर रोड के पास में शिफ्ट किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और 36 के अलावा 33 ऐसे बूथ हैं जिसमें से कुछ शिफ्टेड है, कुछ शिफ्टेड नहीं है, बट 33 बूथ में जो मतदान दल है वो पूरा चॉपर से जाएगा। तो सुरक्षा बलों का और पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है कि हम कैंप्स खोले या फिर लोगों के मन में इतना भरोसा दिलाए कि खुलकर एक्सप्रेस कर पाए। तो मार्च के महीने में हमने 3 कैंप खोला है। हमने मसपुर खोला है, सबसे पहले हमने कस्तूरमेटा खोला था, फिर बाद में रकबट्टी भी खोला है। तो जब सुरक्षा बलों का कैंप आता है और लोगों के अंदर थोड़ा सुरक्षित महसूस होते हैं, करते हैं लोग, तो वो खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब जब नक्सली दूर हैं तो लोग खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम वोट देंगे, हम खुश है, हमारे पास सड़क आ गई है, अस्पताल खुल गया है, डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये आगे भी जारी रहेगा। हमने 3 कैंप खोला है जिससे लगभग 15 से 18 गांव हैं जो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और आज़ाद महसूस करते हुए एक्सप्रेस कर रहे हैं खुल के। उम्मीद है इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। नहीं तो ये एक एक्सेस है, गेम चेंजर इस तरह से है। आज से 40 साल पहले नारायणपुर से छोटे बेटे के लिए बसें चलती थी, ट्रकें चलती थी, सभी मौसम में नहीं चल पाता, लेकिन अगर एटलीस्ट गर्मियों में सड़क की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से बस में बैठ कर कोई इंसान पखांजूर और छोटी बिटिया जा सकता था। फिर नक्सल प्रभाव में हम 40 साल पीछे चले गए, 40 साल से ज़्यादा पीछे चले गए, सड़कें बंद हो गई, वहाँ पर आवागमन बंद हो गया। बहुत जल्दी हम वापस नारायणपुर से
छोटे बिटिया तक बसों से जा पाएंगे। उस एक्सिस में ये काम हुआ है कि हम पहले ढोंडरी बेड़ा तक हमारी उपस्थिति थी, अब हमने मसपुर में कैंप खोल लिया है, मसपुर तक सड़क बन गई है।